यादव समाज की क्या बताएं साहब आपसे, यादव समाज तो किसी काम का रह ही नहीं गया है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग यादव समाज के लोगों ने मिलकर के इस चैनल को इस तरह से इस लाइन पे खड़ा कर दिया। बाबागंज की विधानसभा माननीय बहन जी को ही चाहती है। गुंडा के गुंडा उंडा का दमन कब का किर कर दिया गया होता माननीय जी के द्वारा। लेकिन साथियों नमस्कार, जिस तरह से हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, आज हम जो है विधानसभा बाबागंज में उपस्थित हैं। यहाँ पे जो है हमारे साथ में यादव समाज से एक अवधेश यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल चल रहा है विधानसभा बाबागंज में, यादव समाज किधर जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है या समाजवादी पार्टी में जा रहा है या जनसत्ता दल में जा रहा है या भाजपा की तरफ जा रहा है, क्या माहौल चल रहा है, यादव समाज किधर जा रहा है, किस पार्टी की तरफ? हम यादव समाज की क्या बताएं साहब आपसे, यादव समाज तो किसी काम का रह ही नहीं गया है, यादव को नहीं देख पाता है और यादव को देखेगा भी कहाँ से। ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कुंडा की तहसील सदियों 1947 के पहले जैसी रही है और वैसे ही रहना चाहती है। इसको एक बार तोड़ने के लिए माननीय बहन जी ने कोशिश किया था कि इस चैनल को तोड़ा जाए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग यादव समाज के लोगों ने मिलकर के इस चैनल को इस तरह से इस लाइन पे खड़ा कर दिया कि आज उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है। थोड़ा खुलकर बताएंगे क्या, किस चैनल को क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहें, ईमान के चलिए कि यहाँ की बाबागंज की विधानसभा माननीय बहन जी को ही चाहती है और खुल करके बोलने के लिए कहा जाए तो सब नहीं बोल सकते भैया। अब संकेत दे रहे हैं उस तरफ, एकदम क्लियर संकेत है। गुंडा के गुंडा है, गुंडा के गुंडा उंडा का दमन कब का किर कर दिया गया होता माननीय जी के द्वारा, लेकिन है कि इनको उभारने वाले किस तरह से कहे कि हम ये इनके पास जाएंगे तो यादव समाज ही दमन कर सकता। आज थोड़ा सा और दूर करके देखिए, बाबागंज की विधान तो ठीक है लेकिन पड़ोसी भी विधानसभा देखी जाती है, कुंडा की देख लीजिए। यादव समाज ये कह रहा है कि नहीं, यादव समाज रहेगा तो यहाँ का दमन हो जाएगा। यादव समाज तो पहले जो है उनके साथ में रहता था, किस कहा आज क्यों नहीं रहेगा, ये सब दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे तो हैं। राजा भैया के साथ में रहता, अरे बिल्कुल एकदम दोनों कड़ी एक ही है, दोनों कड़ी एक ही है। आज जो है यादव समाज उनके विरोध में लड़ रहा है, विरोध में लड़ रहा है, लेकिन सब यादव समाज को एक ही आदमी नहीं जुटा सकता। एक यादव मैं भी हूँ, अवधेश कुमार यादव कानूपुर ग्राम सभा से, कि माननीय बहन जी के साथ हूँ, तो एक व्यक्ति विशेष ये नहीं कह सकता कि पूरा समाज एक ही साथ यादव समाज यादव के ही साथ रहेगा। आदमी कुछ देखता है, कुछ कार्यशैली को देखता है। क्या यहाँ कोई सोचा था कि यहाँ पर इस गुंडा राज की कड़ी को कोई तोड़ सकता है? काम किया गया माननीय बहन जी को द्वारा काम किया गया, लेकिन ठीक है जो भी होगा जैसा भी होगा, ये तो कुछ कर्तव्य भी होता है, कुछ ऊपर वाले का भी ऐसा कहा गया है कि तो राजा को जो है कौन तोड़ सकते हैं आपके साथ? आएंगे राजा अपने आप ही टूट जाएंगे, जैसे जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जैसे चल रहा है, इससे अपने आप ही ये टूट जाएंगे, इसमें तोड़ने की किसी को जरूरत नहीं है। तो आप क्यों नाराज हैं अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से? यहाँ पे उनकी समाज पार्टी को समर्थन, वो हमारे पट्टीदार नहीं है माननीय अखिलेश जी, मैं उनके बिरादरी का जरूर हूँ लेकिन हमारे पट्टीदार नहीं, उनसे नाराजगी की बात नहीं। हमको कार्य चाहिए, निर्भय रह सकूं, न्याय मिल सके, लेकिन उनके यहाँ न्याय तो नहीं है। यदि कहेंगे आप तो हम लिखित प्रमाण भिजवा देंगे अगर इस चीज़ की दिक्कत समझेंगे। मैं आपसे क्या बताऊं साहब कि मैं गया लखनऊ में जाकर किसी सीएम से मिलने में कितनी दिक्कत होती है, आपसे क्या बताएं, एक हफ्ता किस तरह से दर बदर ठहल करके माननीय मुलायम जी से मिला, लेकिन वो लिख करके दे कि हाँ इनके साथ न्याय होना चाहिए और जांच में भी न्याय पाया जाए, न्याय नहीं मिलता है। क्या मुद्दा रहा, क्या मैटर रहा जो न्याय नहीं मिला? मत ऐसे जमीनी संबंधी विवाद जैसे कहते थे, अब ये भी तो कहा जाता है कुंडा में सास बहू का भी समस्या का समाधान हो जाता है। कितनी बार जब हर तरह से जातिवाद को लेकर के लोग और अपनी अपनी क्या कैसे गणित लगाते हैं राजनीति है, चूँकि वो लोग बड़े लोग हैं किस तरह से करते हैं, लेकिन मैं अपने तहे दिल से आत्मा से कहता हूँ कि माननीय बहन जी का आना बहुत ज़रूरी है और हम लोग जहाँ तक हो सकेगा बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और दिलाने को भी कहेंगे।
आपके जो इलाके में कानूपुर में क्या माहौल दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी का? अब माहौल दिखने के लिए तो अभी तमाम तरह की धमकी चमकी के आगे गरीब आदमी कहाँ बोल सकता है। कहा तो जा रहा है कि अगर यहाँ वोट नहीं दोगे तो हम रसने नहीं देंगे। कौन कह रहा है? अरे कोटेधार लोग कह रहे हैं, प्रधान लोग कह रहे हैं कि धमकियां भी रहे हैं। अरे बिल्कुल, धमकी से तो भरा हुआ लहजा है ही है। धमकाने के लिए तो भाई उनकी पुरानी आदत है, इतनी जल्दी थोड़ी जाएगी। धमकाया जाता है कि अब नहीं बोल पाएंगे। यहाँ भीड़ जुटाने के लिए हम कहे अगर तो दिल में रखता है आदमी, और हम लोगों की भी बात, अगर पार्टी की कार्यकर्ता कुल पार्टी बड़े स्तर के नेता रीढ़ मानते हैं, लेकिन अगर एक पार्टी का छोटा ही कार्यकर्ता कहीं दिक्कत में फंस जाए, किसी का निवेदन फैसला कराने के लिए अपने बड़े कार्यकर्ता के पास जाए, तो उसकी सुनी ही नहीं जाएगी। किसमें नहीं सुनी जाते, समाजवादी पार्टी या राजा भैया की पार्टी में? राजा भैया की पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कुछ हमको रिलीफ मिला। मैं यादव बिरादरी को, मैं अपना बता रहा हूँ कि यादव बिरादरी का होने के नाते भी मैं अवधेश यादव बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी को जिताने का भरसक प्रयास करूँगा। और तहे दिल से हमारा ये अंतरात्मा से आवाज़ है कि ऐसी सरकार, बहुजन समाज पार्टी जैसी सरकार आनी चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी से तो जो है गिरीश पासी जी भी विधानसभा बाबागंज से लड़ रहे हैं, और कुंडा से जो है गुलशन यादव जी लड़ रहे हैं। जी, तो उनके समर्थन में क्यों नहीं है? क्या कारण रहा कि सुशील गौतम जी को जिताने के लिए जो पड़े हैं? सुशील गौतम जी में क्या है, अगर देख लिया जाए तो, हम तो बहुत नज़दीक से नहीं देखे हुए हैं, लेकिन देख लिया जाए तो सुशील गौतम जी क्या है। सुशील गौतम जी उभरता हुआ, अभी तो हमने उन्हीं में टकराव देखा है, समाजवादी पार्टी के लोगों में टकराव देखा कि क्षेत्रीय नहीं उतारते हैं, उतारते हैं तो कहीं कौसाम्बी के दूर के उतारते हैं, यहाँ टिकट दिया जाता है। अरे दूर की क्या जाते हो आप, सुशील गौतम में क्या क्षेत्रीय तो हैं, आपके बिहार ब्लॉक के तो हैं, क्या कमी है इनमें? पढ़े लिखे LLB सम्मान करने वाला व्यक्ति तो कुल मिलाकर के पार्टी स्तर पे भी लोग जाते हैं और प्रत्याशी स्तर पे भी लोग जाते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी से ये जो सुशील कुमार गौतम जिस तरह से मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से करते रहेंगे तो जीत तय है कि सुशील गौतम को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और जीत करके लखनऊ इनको भेजेंगे। चूँकि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे नज़दीकी हैं और जुझारू प्रत्याशी हैं हमारे, हमको पूर्ण विश्वास है कि ये हम लोगों की कहीं अगर किसी तरह का हम लोगों के साथ अत्याचार होगा तो विधानसभा में पहुंचाने का काम, इस आवाज़ को उठाने का काम सुशील गौतम करें। ये मुँह तोड़ जवाब देने वाले प्रत्याशी हैं, वो चाहे जो हो आमने सामने, जब इनको कानून का भी नहीं डर है, क्योंकि ये कानून और संविधान को जानते हैं, LLB किए हुए हैं, इसलिए हमारे तहे दिल से भाव उठ रहा है कि सुशील गौतम ही हमारे बाबागंज विधानसभा की कायाकल्प को बदल सकते हैं और एक नया इतिहास रच सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और बाकी हमारे साथ में यादव समाज से अवधेश यादव जी मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा है कि अगर राजा भैया की कोठी को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और विधान